हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ अम्बुज शुक्ला एंड यू आर वेलकम टू अम्बुज स्टडी पॉइंट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम रिटर्न बाय हेनरी वर्ट्स वर्थ लॉन्ग फेलो असाम ऑफ लाइफ यानी जीवन का उद्देश्य जीवन की प्रार्थना बिफोर स्टार्टिंग द पोएम लेट्स नो समथिंग अबाउट पोएट हेनरी वर्ड्स वर्थ लॉन्ग फेलो का जन्म ट्वेंटी सेवन फरवरी 1807 को पोर्टलैंड अमेरिका में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 24 मार्च 1882 को कैम्ब्रिज अमेरिका में ही जो पोयम है या दाम ऑफ लाइफ ये पब्लिश हुई थी अक्टूबर 1838 को और इस पोयम के पीछे लिखने के पीछे एक उद्देश्य था इनकी जो वाइफ थी उनका आकस्मिक डेथ हो गया था उसके बाद ये जीवन में बहुत ही परेशान रहने लगे थे और खुद को जीवन के सही क्रियाकलापों से परिचित कराने के लिए उद्देश्यों से परिचित कराने के लिए उन्होंने यह पोयम लिखी थी इस पोयम में हम पढ़ेंगे कि जीवन के उद्देश्य क्या है जीवन की यथार्थता किन बातों में निहित होती है कैसे हम संघर्षों में खुद को निखारते हैं और कैसे हम सुख दुख के भावों को आत्मसात करते हैं पोएट ने हमें इस पोयम में जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें कैसे कड़ा संघर्ष करना है और अपने परिणामों की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने इन बातों से अवगत कराया है अब हम पोयम शुरू करते हैं लाइफ इज रियल लाइफ इज and एंड द is इज़ नॉट इट्स गोल डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्न वॉज नॉट स्पोकन ऑफ soul. लाइफ इज़ रियल यानी जीवन वास्तविक है और लाइफ इज अर्नेस्ट अननेस्ट मीन्स होता है गंभीर जीवन वास्तविक और जीवन गंभीर है जीवन का उद्देश्य केवल सुख की प्राप्ति करना नहीं यानी कि जीवन का उद्देश्य केवल मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है डस्ट दाओ आर्ट टू डस्ट रिटर्न दाओ मीन्स होता है योर तुम्हारा यानी तुम्हारा शरीर धूल का बना हुआ है मिट्टी का बना हुआ है और वह मिट्टी में ही मिल जाएगा वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल यानी कि ये बातें जो है ये आत्मा के लिए नहीं कही गई हैं यानी आत्मा क्या है अजर और अमर है आत्मा नासवान नहीं है नॉट इन्जॉयमेंट नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिन एंड औरबे बट टू एक्ट दैट इज़ टमारो फाइंड एस फारदर दैन टुडे केवल सुख की अनुभूत करना यानी कि बहुत ही प्रसन्न होना या बहुत ही दुखी होना केवल सुख की अनुभूत करना यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना बहुत ही दुखी होना यह हमारे भाग्य का अंत नहीं है ना ही उसका इकलौता रास्ता है बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टूडे लेकिन हमें ऐसे कार्य करना है ताकि हमारा आने वाला कल आज से बहुत ही बेहतर हो यानी कि हम बहुत ही आगे हों आने वाले कल में यानी हम डेवलपमेंट करें विकास करें इन दर्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन दर्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द बी ओक ऑफ़ लाइफ बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवन कैटल बी आ हीरो इन द स्ट्राइफ यानी कि जीवन के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में इन द वर्स फील्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल जीवन के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में इन द बी ओक ऑफ़ लाइफ बी ओक मीन्स होता है पड़ाव या परिस्थिति जीवन के किसी भी पड़ाव पर किसी भी परिस्थिति में बी नॉट लाइक डम्प ड्रीवन कैटल बी आ हीरो इन देश स्ट्रीप मीन्स होता है संघर्ष यानी कि हमें जीवन के किसी भी परिस्थितियों में किसी भी पड़ाव में मूक जानवरों की तरह व्यवहार नहीं करना है बल्कि हमें आने वाली परिस्थितियों से संघर्ष करना है और हमें नायक बनकर उभरना है कभी यहाँ कठिन परिस्थितियों से कैसे झेलना है कैसे उन्हें पार करना है या बताते हैं लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग लर्न टू लेबर एंड टू वेट लेट अस देन बी अप एंड डूइंग चलो उठते हैं और कुछ बेहतर करते हैं विद अ हार्ट फॉर एनी फेट यानी कि किसी भी भागी को हम आत्मसात करने के लिए ऐसा मन बनाते हैं चलो उठते हैं बेहतर करते हैं और किसी भी भाग को हम आत्मसात करने के लिए मन से कार्य करते हैं स्टिल अचीविंग स्टिल पर लर्न टू लेबर एंड टू वेट कुछ प्राप्त करते हुए स्टिल अचीविंग कुछ प्राप्त करते हुए स्टिल परसुइंगस कुछ सपनों का पीछा करते हुए हम मेहनत करना सीखते हैं और परिणामों की प्रतीक्षा करते हैं यानी कि हम अपने कार्यों में पूरी तन्मयता के साथ लग जाते हैं और उससे प्राप्त होने वाले परिणामों के हम प्रतीक्षा करते हैं कि जो भी होगा सही ही होगा ये आपकी कंप्लीट पोएम है बहुत ही खूबसूरत पोएम है जो जीवन की वास्तविकता से हमें परिचित कराती है अगर कोई क्वेरी है आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको बहुत बहुत थैंक्स सपोर्ट करने के लिए आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है धन्यवाद